गुरुवार को केंद्रीय विद्यालय खवोल में कक्षा प्रथम में चयनित बच्चों के लिए विद्या प्रवेश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सनिग्धा आनंद, मुख्य अध्यापक डीके सिंह एवं विद्यालय के शिक्षिका ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विद्यालय के छात्रों द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार लगभग 1800 से अधिक ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए थे, जहां 32 बच्चों को ही चयनित किया गया है जिससे कक्षा 1 में प्रवेश मिल सका। वहीं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती आनंद ने प्रथम क्लास में प्रवेश पाने वाले छात्र एवं छात्राओं को गिफ्ट देकर उनका स्वागत किया और विद्या प्रवेश कार्यक्रम के महत्व एवं अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ कल्याण, भाषा साक्षरता, गणितीय दक्षता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित मूलभूत दक्षताओं को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हुए पढ़ाई की जाती है। अगर अभिभावक भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उसे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है। And I'm also thankful to our headmaster sir and all dear teachers who have organized this event for you and me. This program is called Vidya Pravesh. ये Vidya Pravesh है। हम सब जानते हैं खल्ली पकड़ना जो है start of your academic life in school। ये पहले के जमाने में जब छोटा बोर्ड पर लिखना शुरू करते थे चॉक से, अभी भी इन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाया जाएगा। और ये जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है ये NCERT ने चलाया है, जिसका एम है कि बच्चों को कुछ दिनों तक, 3 महीनों तक अलग ढंग से स्कूल के एनवायरनमेंट में ढालना, उनको इसके लिए एबल बनाना कि वो स्कूल आए जाएं और स्कूल के माहौल को पहचाने। अब विद्या प्रवेश के 3 महीने के बाद इनकी अलग ढंग से मतलब इनका टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। अभी इन्हें 4 घंटे तक है ना सर, 4 घंटे तक स्कूल में रखना है और इनको धीरे धीरे हैबिचुएट होंगे कि ये कैसे लंबे समय तक भी स्कूल में रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात सीरियसनेस की। मौके पर विद्यालय के मुख्य अध्यापक डीके सिंह ने अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं बच्चों के शिक्षण अधिगम के संबंधित आवश्यक सूचनाओं सहित शुल्क संरचना, परिधान, अनुशासन, कक्षा अध्यापक, विषय शिक्षक, पाठ्य पुस्तकें आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि NCERT द्वारा विद्या प्रवेश कार्यक्रम पर तैयार खेल आधारित मॉडल में दिए गए सभी दिशा निर्देशों एवं गतिविधियों का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में है क्या सर? देखिए, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे अग्रणी संस्था है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज भारत में 1253 या उससे एकादो अधिक ही केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में भी हैं, जो कि एक मास्को में है, काठमांडू में है और तेहरान में है। तो केंद्रीय विद्यालय का एक अपना नाम है, एक ट्रेडमार्क है और इसके जितने भी सभी शिक्षक हैं, इनके पदाधिकारी हैं, सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने जीवन को इसमें समर्पित किए हुए हैं। इसीलिए आज केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए अभिभावकों की या लोगों की जो भीड़ होती है वो देखने लायक होती है। इसमें कहीं जैसे कहा जाता है सर कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में अपना एडमिशन पाते हैं। आप सर अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ 1800 लोगों ने नामांकन के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर मात्र 32 लोगों का ही एडमिशन हो पाया, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग कितना परसेंट कर सकते हैं, 1500 मात्र 32 बच्चों का, 1800 में मात्र 32 बच्चों का ही जो है एडमिशन हो पाया। सर ये तो, जो बच्चे का एडमिशन हुआ है उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो कि उनका बच्चों का भविष्य उनके द्वारा भी उज्जवल बन सके? देखिए, अभिभावक का जो हमारा खास करके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कई चीज़ें हैं जिसमें 3 पिलर होते हैं, उसमें विद्यालय है, शिक्षक है और अभिभावक है। ठीक है, अभिभावक का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस बच्चों के शिक्षा में। हमारे यहाँ बच्चे 6 घंटा 10 मिनट रहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। और हम लोग जो भी
जो शिक्षा के मानदंड हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके तहत उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन बाकी समय अभिभावक के पास ही बच्चे रहते हैं। और उन बच्चों को अभिभावक को ही देखना है कि हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। जब तक वो खुद उस पर निगरानी और मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक बच्चों का जो अपेक्षित विकास है वो नहीं हो पाएगा। और वही बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जिनके गार्जियन या जिनके अभिभावक जो हैं बच्चों के प्रति ज़्यादा सतर्क, जागरूक और उन पर अपना विशेष ध्यान देते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं कि अभिभावकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है बच्चों के विकास में। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देव कुमार सिंह है, डीके सिंह है, और मैं केंद्रीय विद्यालय खबरौल में मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वहीं इस पूरे कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सुमित्रा कुमारी एवं सुश्री नेहा मिश्रा करते हुए बच्चों के बीच में गिफ्ट बांटते नजर आए। आपने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली और आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ उपस्थित है हमारे विद्यालय की